बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की नवादा शाखा की नई कमेटी का ऐलान कर दिया गया। सोमवार को संगठन के केंद्रीय कार्यालय पटना में वोटों की गिनती के बाद नए अध्यक्ष मंत्री समेत अन्य पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। जयराम कुमार यादव ने 654 मत प्राप्त कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। वहीं अमित पासवान ने 654 मत प्राप्त कर मंत्री पद पर जीत सुनिश्चित की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मनीष कुमार ने 600, अनिल कुमार ने 691 मत प्राप्त किया। संतोष 623 मत प्राप्त कर कोषाध्यक्ष पद पर काबिज हुए। वहीं नवल कुमार निराला ने 662 मत प्राप्त कर संयुक्त मंत्री, नीरज मिश्र ने 657 मत प्राप्त कर केंद्रीय सदस्य और संजू कुमारी ने 715 मत लेकर अंकेक्षक पद पर कब्जा किया। जबकि प्रतिद्वंदी गुट से सुबोध कुमार यादव को अध्यक्ष पर मात्र 246 वोट मिले। वहीं अमरेंद्र कुमार पासवान को सचिव पद पर 242, उपाध्यक्ष पद पर खड़े अमित कुमार को 182 व मोहम्मद फिरोज 207 मत मिले। वहीं धर्मेंद्र कुमार को कोषाध्यक्ष पद के लिए 270, अरविंद कुमार को संयुक्त मंत्री पद पर 227, बिहार कुमार को केंद्रीय सदस्य पर 242 और प्रियंका कुमारी को अंकेक्षक पद पर 191 वोट ही मिल सके। नव निर्वाचित अंकेक्षक पद पर विजय हुई संजू कुमारी को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ। अन्य पदों पर पुलिसकर्मी खड़े हुए थे। एकमात्र अंकेक्षक पद पर ही महिला पुलिसकर्मी ने नामांकन किया था, जिसमें संजू को सर्वाधिक 705 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी प्रियंका कुमारी को मात्र 191 वोट ही मिल सके। अन्य पदों पर जीतने वाले या हारने वाले किसी भी पुरुष प्रत्याशी को संजू के बराबर वोट नहीं मिला। इस प्रकार संजू ने सर्वाधिक वोट पाते हुए अंकेक्षक पद पर कब्जा जमाया। पटना में कराई गई वोटों की गिनती। गौरतलब हो कि 24 अगस्त को पुलिस लाइन स्थित एसोसिएशन भवन में मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ था। चुनाव प्रभारी पर मतदान में पक्षपात करने का आरोप भी लगा था। तब दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। संगठन की केंद्रीय कमेटी की पहल पर दोनों पक्षों ने मतगणना के लिए सहमति बनाई। सशस्त्र बलों के साथ मतपेटी को पटना ले जाया गया, जहाँ संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में वोटों की गिनती कराई गई। सबसे पहले तो मैं नवादा जिला बल के हौलदार, सिपाही, महिला सिपाही सबको बधाई दूंगा कि अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें इस मुकाम पर लाए हैं और आगे भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो पूरे लगन और निष्ठा से काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयराम यादव है। किस पद पर आप अध्यक्ष पद पर आप विजय हुए हैं? जी, मेरा नाम अमित राज है, मैं मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। मंत्री पद में विजय हासिल किया। नवादा जिला बल में जितने भी हवलदार, सिपाही, महिला सिपाही, चालक सिपाही, जितने भी लोग हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद है मेरा। जो जिनको लगा कि नहीं अमित भैया रहेंगे, जयराम भैया रहेंगे तो हमें हर एक चीज़ से निवारण दिलाएंगे, जो भी समस्याएं हैं समस्याएं को दूर करेंगे और हमारे हित में काम करेंगे। विश्वास बनाने के लिए और आपस में भाईचारा बनाने के लिए मैं तहे दिल से सबका अभिनंदन करता हूं और एक उम्मीद रखता हूं, उम्मीद दिलाया भी है मैंने। मैं बिल्कुल सही ढंग से काम करूंगा, कभी शिकायत का मौका भी ना दें। आप लोगों ने जो समर्थन दिया, जो सपोर्ट किया, हम लोग आज यहाँ पर लाए हैं, अग्रसर बनाया कि आप लोग हमारे साथ में काम करें, इसके लिए दिल से धन्यवाद सभी भाई को, सभी बहनों को।